सब्सक्राइब कीजिए कंसेप्चुअल एंड इजी केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, माय सेल्फ एम ए अंसारी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। बेटा हमारे पास टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7 और हमारे पास टोटल 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास होंगे 7 और टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस होंगे 14। जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनको देखते हैं। बेटा टेबल में दिया गया है ये हमारे क्रिस्टल सिस्टम और कौन कौन से लैटिस पॉसिबल होते हैं किस क्रिस्टल सिस्टम में, उसको क्रिस्टल सिस्टम के सामने लिखा गया है। जो टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, टेट्रागोनल को बीच में रखिए। टेट्रागोनल को हमने बीच में रख लिया, 3 हमारे ऊपर हो गए और 3 नीचे हो गए, टोटल मिलाकर के 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सी ओ मोना बीच में आपका हो गया टेट्रागोनल और नीचे याद रख सकते हैं आप हे आर टी। तो ये टोटल हो जाएगा सी ओ मोना हे आर टी, टेट्रागोनल हो गया आपका बीच में। बेटा रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल भी होता है। चलिए देखते हैं कि किस क्रिस्टल सिस्टम में किस टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होता है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव टाइप और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड और एक और था एंड सेंटर्ड, इनके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्यूबिक सिस्टम में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं। शॉर्ट में आप इसको PBF से याद रख सकते हैं, PBF, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। ऑर्थोरम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, चारों टाइप के ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें ऑल 4 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल। तो ऑर्थोरम्बिक में बेटा चारों टाइप के ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं। इसके बाद मोनोक्लिनिक में ये हो जाएगा आपका प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। बाकी के जो 3 बचे आपके हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इसी का दूसरा नाम ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक, इनमें जो ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। तीनों में प्रिमिटिव टाइप के ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। आप इसको पीबीएफ से याद रखेंगे, इसको पीबीएफई से याद रखेंगे और मोनोक्लिनिक को पीई से याद रखेंगे, टेट्रागोनल को पीबी से याद रखेंगे। बाकी के जो 3 आपके रह जाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले।